नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिनभर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र में रविवार रात करीब 9 बजे एक दुकान पर नाश्ता कर रहे रिटायर्ड बीएसएफ कर्मचारी के बेटे की 5 मनमर्द युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। खून से लथपथ युवक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जांच शुरू कर दी है। खोराबार थाना क्षेत्र के हक्काबाद हरिजन बस्ती के निवासी बीएसएफ से रिटायर रामवीरज भारती का 25 वर्षीय बेटा नकुल भारती अपने दोस्त अविनाश के साथ रविवार रात करीब 8:40 पे पकवा चौराहे पर बाजार करने गया था। बाजार से लौटते समय वे एक दुकान पर रुककर नाश्ता करने लगे। उसी दौरान दूसरे गांव के 5 युवक वहां पहुंचे और किसी बात पर हुए विवाद के बाद नकुल पर से हमला कर दिया। हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी नकुल के भाई महेंद्र भारती ने पुलिस को दी। परिवार के लोग नकुल को जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नकुल 3 भाइयों में सबसे छोटा था और 2 बच्चों का पिता भी था। उसकी मौत से परिवार में मातम छा गया। इस संबंध में सीओ कैंट अंशिका वर्मा ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और पुलिस टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक के भाई ने कहा, हक्काबाद हक्काबाद क्या नाम था उनका? नकुल। नकुल आपको क्या लगते हैं? भाई, छोटा छोटा भाई है जी। तो क्या बात हुआ सर? वो हम समय 8 बजे गया था मार्केट करने, पक्का चौराहे पर। वो मार्केट करके सर घर जा रहा था, तो एक दुकान थी चाय और पकौड़ी की दुकान, उसी दुकान पर रुका है। उसके बाद जो रुका थे वो लोग मार दिए, 4-5 लोग थे सर। तो 4-5 लोग का क्या नाम याद है? जी, नाम भी याद है सर। कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का नाम है, कुछ लोगों का अज्ञात है सर। तो जिनका नाम है उनका क्या नाम? एक कृष्णा है, किशन है, एक भोला है, एक कौन था? भोला यादव। और एक भोला यादव है, एक बीने बीने का सोनम, एक सोनम एक सोनम जी नहीं, एक लड़के गायघाट का था, एक बरबसपुर का, एक बिशुनपुर बुजुर्ग का। बिशुनपुर बुजुर्ग के 2 लोग थे। मामला पहले का कोई ये मामला चल रहा था? नहीं सर, कोई मामला नहीं था, मामला कुछ नहीं था। तो फिर क्यों ये चाकू? यही तो सर, हम लोग को नहीं पता चला क्यों हुआ। तो उनको किससे चाकू से मारे हैं? चाकू से मारे हैं सर। चाकू भी बरामद हो गया जी। और अपराधी कहाँ पे हैं? अपराधी तो घूम रहे हैं सर, खुलेआम घूम रहे हैं जी। और जिनको चाकू लगा था उनका क्या हो गया? डेथ हो गया सर। हाँ, वो ठंडे कर जी। और बच्चे भी हैं उनके? उनका 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे हैं, उनकी उम्र 23 साल है। 23 साल जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर प्रदेश के सभी रिजर्व पुलिस लाइन, पुलिस थानों और कारागारों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व परंपरागत भक्तिभाव से मनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी थानों, पुलिस लाइनों और कारागारों को सजाया गया। आज मुख्यमंत्री के निर्देश जारी होने के बाद हर पुलिस लाइन, थाना और कारागार में उत्साह और रौनक देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह गोरखपुर की पुलिस लाइन को सजाया गया है। गोरखपुर जिले के सभी थानों को झालरों और रोशनी से सजाया गया है। पुलिस लाइन, नगर निगम और जलकल विभाग में भगवान श्री कृष्ण की झांकियां सजाई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और उनकी लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए कुछ अद्भुत झांकियां बनाई गई हैं, जो लोगों के मन को बेहद भा रही हैं। लोगों ने कहा कि वे हर वर्ष यहां आते रहे, लेकिन तब झांकियां देखने को नहीं मिलती थी तो उनका मनोबल टूट जाता था। पहले पुलिस लाइनों में ऐसी सजावट नहीं होती थी, जिससे निराशा होती थी, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म की धरोहर को सही मायने में सजीव किया गया है और पूरे प्रदेश में भगवान के जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रूट डायवर्जन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जन्माष्टमी को ध्यान में रखते हुए जनपद में रात 1 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है, ताकि भारी वाहन शहर में न आ सकें। इसके साथ ही रात में पुलिस लाइन और जलकल बिल्डिंग में लगने वाले मेले को देखते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। हाई स्पीड पर चलने वाले बाइकरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे शहर के नागरिक निर्भीक होकर बाहर निकल सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, जन्माष्टमी को देखते हुए पहला तो ये किया गया है कि रात 1 बजे तक नो एंट्री लागू रहेगी। 1 बजे के बाद जैसा आवश्यक होगा वैसा देख के नो एंट्री खोला जाएगा, जिससे भारी वाहन शहर में आए और कोई घटना दुर्घटना बचा जा सके। और छोटे छोटे पार्ट में डाइवर्जन किया गया है सिटी के अंदर, आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा उनको।
बाइकर्स जो हैं हाई स्पीड वाले और हाई स्पीड बाइकर हैं जो खतरनाक ड्राइविंग करते हैं, इन पे नियंत्रण रखने की व्यवस्था की गई है। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और जनपद पुलिस को तैनात किया जाएगा। सर, पुलिस लाइन की तरफ आज मेला भी लगता है, काफ़ी भीड़ होती है, उसके लिए पुलिस लाइन में स्पेशल व्यवस्था की गई है। यहाँ पे रूट को स्मूथ बनाए रखने के लिए व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक ड्यूटी लगाई गई है। जो भी लोग आएंगे इनके वाहन को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर चल रहे संविधान मान स्तंभ अभियान के तहत नौसड़ के कृष्णा लान में संविधान मान स्तंभ स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीपी मंडल की जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने की, जबकि संचालन महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी और जिला महासचिव रामनाथ यादव ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने बीपी मंडल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा दी और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। संविधान मान स्तंभ को सपा के बेतियाहाता स्थित कार्यालय पर स्थापित किया गया है। अध्यक्ष रामपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान और आरक्षण पर लगातार हमला कर रही है और शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी की इसका उदाहरण है। सपा संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा सरकार सिर्फ देश व प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम कर रही है। भाजपा की जमीन 2024 के लोकसभा के चुनाव में खिसक चुकी है और 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश की जनता सपा की सरकार बनाएगी। सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है और भाजपा देश और प्रदेश की जनता को बांटकर सत्ता और वोट की राजनीति कर रही है। भाजपा देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। सपा सिर्फ काम पर विश्वास करती है, जबकि भाजपा जनता को धोखा देने का काम कर रही है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने संविधान की शपथ ली और इसे सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। इस दौरान प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम, महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी, जिला महासचिव रामनाथ यादव, नगीना प्रसाद साहनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश में पूरे देश में समाजवादी पार्टी कार्यालयों पे संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में संविधान की प्रति का स्थापना पूरे प्रदेश और देश के कार्यालयों में किया गया, जिसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में स्थापित करके शुरुआत की थी। उसी के तहत माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ जिला समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा जिला संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विशाल संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिस संगोष्ठी में हजारों लोग उपस्थित थे और भारी संख्या में लोग उपस्थित थे और उस जगह पे उपस्थित थे जहाँ से मुख्यमंत्री जाते हैं। लोगों में भारी आक्रोश है क्योंकि बाबा साहब का संविधान भी खतरे में है और आरक्षण भी खतरे में है, इंसानियत भी खतरे में है और बेरोजगारों की नौकरी खतरे में है, किसानों की मजदूरी खतरे में है, फसल के मूल्य नहीं मिल रहे हैं और विकास भी खतरे में है। आज सब तरह से बीजेपी की हुकूमत जब से आई है तब से लगातार संविधान खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है और लोगों को सताया जा रहा है, लोगों को गरीब बनाया जा रहा है, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान हो, सबको बेरोजगारी की भट्टी में झोंका जा रहा है। और ये षड्यंत्र के तहत आरएसएस ने ऐसी प्लानिंग की है कि जब यहाँ पे नौकरियों में आरक्षण खत्म हो जाएगा तो गांव गरीब किसान का बेटा नौकरी नहीं पाएगा तो इसकी तरक्की और खुशहाली नहीं होगी। और जो सरकारी संस्थानों में नौकरियां मिल जाती थी उनको प्राइवेट सेक्टर में किया जा रहा है और जो सिविल यूपीएससी जैसी भर्तियां जहां से आईएएस लोग बनते थे, पढ़ाई लिखाई तैयारी करके गांव गरीब किसान का बेटा आईएएस बनता था, उनके भी दरवाजे बंद करने के लिए लेटरल भर्ती चालू कर दी गई। इन सभी मुद्दों पे माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है कि पूरे सभी जगह पे सभी जिलों में एक संगोष्ठी होगी। उस संगोष्ठी आज गोरखपुर में भी विशाल संगोष्ठी हुई जिसमें भारी संख्या में लोग आए थे और सभी लोगों ने संकल्प लिया है
इन संविधान खत्म करने वाले, पिछड़े दलितों आदिवासी अल्पसंख्यकों के हक अधिकार छीनने वाले, गरीबों का हक अधिकार छीनने वाले, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों का हक अधिकार नौकरी छीनने वाले लोगों की गद्दी छीनने का संकल्प लिया गया है आज। और जिस तरीके से 69,000 भर्ती शिक्षक आरक्षण घोटाला तो आपके सामने है, अब तो न्यायालय ने भी कह दिया है कि आरक्षण घोटाला हुआ। ये आरक्षण घोटालेबाजों की सरकार है, संविधान खत्म करने वालों की सरकार है। आप बताइए, उसके बाद में भी आज तक न्यायालय का निर्णय आ गया और आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए चाहे वो पेपर लीक हुआ हो, नौजवानों का पेपर लीक किया गया, अग्निवीर चालू किया गया, निजीकरण चालू है, सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है और आउटसोर्सिंग से नौकरी चालू की जा रही जिसमें आरक्षण नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो ऐलान कर दिया था कि 2 अक्टूबर को अगर ये लेटरल भर्ती जो प्रक्रिया है इसको रोका नहीं गया और इसमें आरक्षण लागू नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को विशाल धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तब इन्होंने उसको वापस लिया, लेकिन ये इनका षड्यंत्र उजागर होता है कि ये किस तरीके से संविधान खत्म कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। और उस गोरखपुर में मैं आया हूँ, जिस गोरखपुर में दुर्व्यवस्था है, जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, जहाँ लाइट तक की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं, जो मुख्यमंत्री अपनी सड़क नहीं बना सकते वो प्रदेश और देश का विकास क्या करेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनना था, आज कितने महीने हो गए, माननीय अखिलेश यादव जी ने 22 महीने में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया था, शानदार एक्सप्रेस वे, ये आज तक नहीं बना पाए। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्स के लिए जमीन दे दी थी, जो एम्स बना, आज तक गोरखपुर से लोग लखनऊ और दिल्ली इलाज कराने जा रहे हैं। एम्स की स्थापना इसलिए नहीं होती हुई थी कि यहाँ से लोग, गोरखपुर के लोग दिल्ली और लखनऊ में भटकेंगे दरवाजे दरवाजे। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दुर्व्यवस्था है जिसकी वजह से एम्स जैसा संस्थान, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने कीमती जमीन देने का काम किया था, वो भी संस्थान बर्बाद करने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस का अस्पताल बनाने का काम किया, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने तो झूठे वादे किए, इन्होंने तो निषादों को भी जुमला देने का काम किया। जब ये विपक्ष में थे, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, तो निषादों के आरक्षण की बात करते थे। आज निषादों का भी, कश्यप निषाद, बिंद, हीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरा, भर, राजभर, कुम्हार, प्रजापति, जिन इन जातियों को माननीय अखिलेश यादव जी ने आरक्षण देने का काम किया था, वो आरक्षण भी खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने न्यायालय में किया जाके। और ये पुतले बना के खड़े कर दिए गए बैकवर्ड और दलितों के, जो मंत्री बनाए गए वो पुतला, ये मंत्री नहीं है। चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग पुतले हैं। जैसे खेत में धोखा खड़ा कर दिया जाता बना के आदमी का पुतला कि ये इंसान खड़ा है जिससे जानवर न घुसे, उसी तरीके से पिछड़ों के धोखा बना के पुतला। असुर संगठन द्वारा विश्वविद्यालय गेट पर कोलकाता और मुजफ्फरपुर में बेटियों के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में असुर संगठन के पूर्व इकाई अध्यक्ष आकाश पासवान ने बताया कि हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप की घटना अत्यंत निंदनीय है, लेकिन इस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। यदि लोग बंगाल की बेटी डॉक्टर की आवाज उठा रहे हैं तो इस घटना पर भी आवाज उठानी चाहिए। हम दोनों घटनाओं में शामिल आरोपियों के लिए फांसी की मांग करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए असुर संगठन के पूर्व इकाई अध्यक्ष आकाश पासवान ने कहा, आज हम लोग असुर छात्र संगठन के तत्वावधान में विगत दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की का गैंगरेप किया गया, लेकिन इस मामले पर न तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, न इस देश की मीडिया ने लिया और न सो कॉल्ड इस देश के प्रगतिवादी लोगों ने लिया। इस देश में डॉक्टर मोमिता का रेप हुआ, हत्या हुआ, उनके लिए पूरा देश सड़कों पे उतरा। हम लोग भी उनके लिए लड़े और आज भी इस मामले में उस मामले को भी हम लोग शामिल किए हैं, लेकिन हमें दुख होता है कि आज आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी इस देश में न्याय जो है जाति के आधार पर मिलती है। आज पर डे इस भारत में दलित लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं, लूटा जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है, लेकिन इन पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं, हम लोग का इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से आपने कोलकाता वाले मामले में
स्वतः संज्ञान लिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसी तरीके से बिहार वाले मामले पर भी संज्ञान लीजिए और जो आरोपी मिले उनको यथाशीघ्र फांसी पर लटकाया जाए, क्योंकि आए दिन इस देश में रेप और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी आज ही सुबह का मामला है, देवरिया में एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप करने का कोशिश किया गया। आप समझ सकते हैं कि ये जो माइंड सेट है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो इसके इस पर नकेल कसना है और सरकार को जो लोग इसमें शामिल मिल रहे हैं उनको फांसी देना पड़ेगा, तभी जा करके ऐसे अपराधों पर नकेल कसा जा सकता है।